हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए सिंपल गैजेट लेके आया हूँ, इसके द्वारा दोस्तों हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो भी बैठे बैठे आराम से दिमाग में। तो दोस्तों बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ऐसे घुमा के कलर कोडिंग पर सेट कर देना है और दोस्तों हमें इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके सामने लिखी हुई आ जाएगी। दोस्तों चलो दोस्तों ये देखते हैं ये कैसे बनता है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो दोस्त हमारे नए हैं वैसे करें वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अब मैंने एक तेल के जो कैन होते हैं उसके ऊपर का ढक्कन लिया है और उसमें हम कुछ तीन गोले बनाएंगे, जिसका पहले गोले का साइज 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का होगा, फिर दूसरे का 4 सेंटीमीटर की, फिर तीसरे का जो सबसे छोटा होगा 3 सेंटीमीटर का। ये मैंने अलग अलग प्रकार के गोले निकाल लिए हैं, देख सकते हो। अब दोस्तों हमें इसके 20 सेंटीमीटर में छेद कर लेना है, कील से या किसी भी चीज़ से आप छेद कर सकते हो। तो मैंने कील के यूज़ से इसमें छेद कर लिया है तीनों में और इसके होल को बड़ा करके इसमें एक नट कस दिया है। और दोस्तों इतना टाइट नहीं करना है कि ये घूमे नहीं, हमें तीनों चीज़ घुमानी है आपस में, इसलिए हमें थोड़ा ढीला ही कसना है। पहले हम छेद कर लेते हैं इसमें बड़े से, जिससे कि नट इसमें चले जाए। तो मैंने कैंची से इसके होल को बड़ा कर लिया है और देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें नट कस लेते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइट नहीं कसना है, ज़्यादा टाइट कसेंगे तो हमारे घुमाने पे घूमेगा नहीं, इस प्रकार से हमें घुमाना है इसे। तो अब दोस्तों ये बन चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब पूरी तरह से बन चुका है। अब हमें ये जो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग की सारणी है इसके हिसाब से हमें इसमें ये कलर लिखने हैं इसके चारों ओर। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कितने कलर हैं। दोस्तों इसमें 13 कलर हैं और 3 बैंड हैं, इसलिए मैंने 3 गोले लिए हैं 3 बैंड को दिखाने के लिए। दोस्तों अब हमें ऐसे गत्ते की पट्टी ले लेनी है और इस गोले के चारों ओर नाप लेनी है। इसी नाप के हिसाब से अब दोस्तों हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। दोस्तों इसकी टोटल लंबाई जो है 30.5 सेंटीमीटर की है। अब हमें इसमें दोस्तों 13 खाने चाहिए, तो 13 खाने से हम भाग कर देंगे इस 30.5 को। तो दोस्तों 2.3 समथिंग में आंसर आया है, तो हर खाना जो होगा गैप जो जाएगा वो 2.3 सेंटीमीटर का जाएगा। दोस्तों हर गैप जो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर का, स्केल से नाप के आप बना सकते हैं ऐसे। तो आप अपने गोले का भी इसी प्रकार से नाप ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसके चारों ओर घुमा के इसके जो खाने बनाए हैं मैंने उस पर पेंसिल से ड्रा कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ, पहले आपको इसी प्रकार से करना है। आप ज़्यादा बैंड वाली भी बना सकते हैं। दोस्तों मैंने 3 बैंड के हिसाब से बनाया है फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों पहले मैं ये निशान लगा लेता हूँ, जितने जितने मैंने खाने बनाए हैं उस जगह पे मैं निशान लगाता जाता हूँ। तो दोस्तों मैं फास्ट कर देता हूँ थोड़ा। दोस्तों ये देख सकते हो मैंने ये लगा लिए हैं, कुछ इस प्रकार से निशान लग चुके हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, मार्कर लेना है, परमानेंट मार्कर। आप कलर कुछ भी ले सकते हो, तो उसमें बीच सेंटर में रख के और जो साइड में हमने खांचे खींचे थे उसमें लकीर खींच देंगे। हर लकीर खींचनी है दोस्तों, 13 लकीर आनी चाहिए, 13 खाने बनने चाहिए और कुछ इस प्रकार से, क्योंकि 13 कलर हैं इसमें दोस्तों, जो कि एंड के 2 कलर हैं वो खाली हैं, लेकिन हम दोस्तों दिखाएंगे इसमें, क्योंकि नहीं तो ये सारणी बिल्कुल बेकार हो जाएगी और ये काम नहीं करेगी हमारी ट्रिक। इसलिए दोस्तों मैंने ये सारे कलर दिखाए हैं इसमें, आपको भी कुछ इस प्रकार से बनाना है। दोस्तों इस प्रकार से नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी। दोस्तों अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये बन के बिल्कुल तैयार है और ये घूम भी रहा है देख सकते हो। और दोस्तों आपको एक छोटा मार्कर ले लेना है, परमानेंट मार्कर, आप कलर कुछ भी ले सकते हो। और इसके ये जो पहली पट्टी है इसमें एंड के हिस्से में लिखेंगे हम, ये कलर के साथ लिखना है। दोस्तों समझने की बात यहीं पे है, दोस्तों ये चीज़ आपकी गड़बड़ हो गई तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी ट्रिक। दोस्तों पहले आपको कलर लिखना है और पहली पट्टी के जो नंबर लिखे हैं वो उसके साथ में लिखने हैं। दोस्तों ऐसा नहीं लिखोगे तो आपकी ट्रिक ये काम नहीं करेगी। दोस्तों मैं पहली जो पहला बड़ा गोला है उस
इसमें फ़िलहाल भर लेता हूँ। पहला रंग दोस्तों ब्लैक है, इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा है, खाली है ये, तो इसे खाली भर देते हैं। और उसी प्रकार से फिर ब्राउन है, फिर ब्राउन में वन नंबर है तो वन भर देता हूँ। तो उसी प्रकार से दोस्तों ऐसे भरते चले जाना है हमें, ऐसे हैंड के गोले में भर देता हूँ मैं सारे ये नंबर। तो उसी प्रकार से आपको भर देना है दोस्तों। फिर दूसरे गोले में भी कुछ उसी प्रकार से भरना है, पहले कलर लिखने हैं, फिर उसके जो दूसरी बैंड के नंबर हैं फिर उसके साइड में वो लिख देना है। फिर दोस्तों तीसरे छोटे गोले में दोस्तों आपको क्या करना है, जो 10^6 या 10^01 जो भी दिया है वो कलर के साथ आपको लिख देना है। इसी प्रकार से दोस्तों ये बन के तैयार है। अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं हम, टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं आपको चलाना सिखाता हूँ ये किस प्रकार से चलाना है। चलो दोस्तों, अब दोस्तों ये पूरा बनके तैयार है। अब हमें इसे यूज़ में कैसे लेना है तो मैं उसके बारे में अब बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें ये दर्शाए रखे हैं सारे कलर बैंड, मैंने इसमें लिख रखे हैं। तो अब दोस्तों क्या करना है, पहले हम कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो मैं पहले रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ कि इसमें ये जो ये दिख रही है, पहले ये 3 बैंड वाली, इसमें जो कलर आपको साफ दिख रहे हों तो ये रेड 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 हैं। और तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कॉपी में, पहले दोस्तों मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। ये पहले मैंने रेड लिख लिया, फिर रेड लिख लिया और फिर रेड लिख लिया। अब दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे, ये जो मैंने बनाया है इसमें देखेंगे, पहले दोस्तों रेड है तो रेड का 2 लिख लिया, रेड 2 नंबर पे है। फिर दोस्तों दूसरे को सेट करा फिर रेड पे, मैं रेड पे सेट करता हूँ तो ये रेड पे मैंने ये सेट करा है। और फिर इसे तीसरे वाले को भी रेड पे सेट कर लिया। अब दोस्तों जो जो संख्या लिखी है वो लिख दी, जो एंड की है जो छोटे वाले गोले में लिखी होती है उसे गुणा में लिखा जाता है, तो क्योंकि वो 10^10 में होती है। तो अब दोस्तों ये 2.2K के रेजिस्टेंस बन गई, 2.2K किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हो गई है। अब दोस्तों ऐसे ही हम दूसरी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो दोस्तों मैं दूसरी रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, इसमें जो कलर है येलो ब्राउन और रेड है। तो दोस्तों ये लिख लेता हूँ पहले मैं येलो रेड ब्राउन और रेड, ये लिख ली है मैंने। अब दोस्तों इसमें फिर से देखते हैं हम उसी में जो हमने चार्ट बनाया। तो दोस्तों ब्राउन कितने पे है, 4 पे है, वो क्या नाम येलो 4 पे है। अब हमें ब्राउन की ज़रूरत है, ब्राउन ले लिया, ब्राउन हमारी 1 पे है और रेड ब्राउन 1 पे है और रेड जो है 10^2 में है। तो अब दोस्तों ये हो गई 4.1K की रेजिस्टेंस हो गई जो मैंने लिख दी है। दोस्तों मैं बता दूं जो 1000 ओम्स होता है, 1000 ओम्स मिलके 1K बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स।